गाड़ी को महंगी कर देते हैं ये चार गैर जरूरी फीचर्स। लाखों रुपए बचा सकते हैं अगर इस बातों का आप ध्यान रखते हैं। जब भी आप कार खरीदने जाते हैं तो अतिरिक्त एसेसरीज के चलते आपकी कार की मूल कीमत से अधिक रुपया लग जाता है। वहीं गाड़ी में कुछ ऐसे गैर जरूरी फीचर्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल ना तो बराबर होता है और उनकी कीमत लाखों में होती है। इसलिए अगर आज आपको मैं लाखों रुपए सस्ती कार को ख़रीदने के कुछ ऐसे गैर जरूरी फीचर्स बता रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये आपका काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और भी नॉलेज भरी इंटरेस्टिंग वीडियो समय पर मिल सके। तो पहला है जो गैर जरूरी फीचर्स है वो है सैटेलाइट नेविगेशन। जी हाँ, अधिकांश कारों में सैटेलाइट नेविगेशन धीमा और गलत जटिल इंटरफेस से भरा हुआ होता है और फिर आपको इसके उपयोग के लिए डेली अपडेट करने की समस्या होगी। यही कारण है कि हाई एंड लग्जरी वाहनों में भी यात्री बिल्ट इन सैटेलाइट नेविगेशन का उपयोग करने के बजाय नेविगेशन के लिए एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। दूसरे गैर जरूरी फीचर्स हैं हेडलाइट वाशर एंड वाइपर। जी हाँ, हेडलाइट वाशर और वाइपर फीचर्स एसयूवी और ऑफ रोडर्स के लिए एक मददगार हो सकता है। जहाँ हैंड लैम्प अक्सर कीचड़ और गंदगी से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन यह सेडान और हैचबैक के लिए एक नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं लगता, खासकर जब बहुत सारी कारें अब LED रोशनी के साथ आती हैं तो अंधेरे में पर्याप्त रोशनी देती हैं। तीसरे गैर जरूरी फीचर्स के बारे में बात करें, तीसरा है ऑटोमेटिक सीट बेल्ट। जी हाँ, ऑटोमेटिक सीट बेल्ट भी गैर जरूरी फीचर्स है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ग्राहक भी एडवांस होते जा रहे हैं। ग्राहकों को अधिक सुविधा देने के लिए ऑटोमेटिक सीट बेल्ट से गाड़ियाँ बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत ही कम लोग इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है सनरूफ। लोग अक्सर केवल सनरूफ के शौक में थोड़ी महंगी कार खरीद लेते हैं, हालांकि हकीकत में उन सनरूफ का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। सनरूफ आमतौर पर एक वाहन में एक अलंकरण से कुछ नहीं है और अक्सर बच्चे अपना सिर बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि बेहद जोखिम भरा और ख़तरनाक और इनलीगल भी है। यह नहीं भूलना चाहिए कि सनरूफ लगाने से वाहन का हेडरूम भी ख़त्म हो जाता है, और जिस तरह से यहाँ पे गर्मियाँ पड़ती हैं तो ऐसे भी सनरूफ के कोई फ़ायदे नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और फिर से मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।